हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैट डिज़ाइन एक्सीलेंस में। आज हम बात करेंगे ड्राइंग लिमिट्स के बारे में, ड्राइंग लिमिट्स कैसे डालें ऑटो कैड में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अभी हम इसमें ड्राइंग लिमिट्स डालेंगे, ठीक है। इसके दो ऑप्शन हैं, या तो हम सीधा कमांड में लिख सकते हैं लिमिट्स, ठीक है, नहीं तो इसका टूल भी आता है जो कि हमें फॉर्मेट और ये ड्राइंग लिमिट्स, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले हम ऑन करेंगे इसको, ऑन एंटर, ठीक है, फिर 0.0 एंटर, ठीक है। अब हम अपने पेज के हिसाब से, जैसे हम A4 साइज के हिसाब से भी ले लेते हैं, जैसे A3 का पेज है उसके हिसाब से अलग ड्राइंग लिमिट आएगी। अभी हम A4 के हिसाब से ट्राई कर लेते हैं। जैसे A4 का है 297 एंड 210 एंटर, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें हम अपनी लोअर लिमिट डाल लेते हैं पहले, 0.0 एंटर एंड 297.210 एंटर, जेड एंटर, ये एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारा ये रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है, जो कि A4 शीट के हिसाब से बना है अभी, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ सर्कल वगैरह बना के देखते हैं, या कुछ भी बना लेते हैं। रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये बाहर नहीं बन रहा है यहाँ पे, जो कि हमारी ड्राइंग लिमिट्स हमने ये सेट करी है, तो इसी लिमिट्स के अंदर हमारी ड्राइंग बनेगी, बाहर नहीं बनेगी, ठीक है। इसको हम ऑन भी कर सकते हैं कि हम बाहर अगर हमें कुछ बनाना है उसको भी हम कर सकते हैं। वापस से लिमिट्स ट्राई करेंगे एंड इसमें करेंगे ऑफ एंटर, ठीक है। अब आप देखेंगे तो हमारी ड्राइंग बाहर भी बन पा रही है और अंदर भी बन पा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कमांड यूज होती है, ये इसीलिए यूज होती है कि अगर हमारा पेपर साइज A3 है तो हम उसके हिसाब से ड्राइंग लिमिट्स डालें, A4 है उसके हिसाब से डालें, जितने भी हमारे पेपर का साइज है जिसमें हमें प्रिंट निकालना है उसके हिसाब से हम इसे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है।